और हम सबके जननायक श्रीमान रतन जी देवासी सम्मानित मंच नारीवाड़ा की आज देवतुल्य जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आज सब यहाँ आए, आपका पुनः मेरी ओर से आपका खूब खूब धन्यवाद। मैं जब चुनाव के समय थे और जिस तरह से आप लोगों ने 36 कौम के लोगों ने 2 महीने लगातार रतन जी के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए आप सब ने मेहनत की, जिसका परिणाम ये रहा कि एक राणीवाड़ा में पूरे मारवाड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा कहीं ऐतिहासिक जीत हुई है वो आप सबकी बदौलत राणीवाड़ा वासियों की बदौलत राणीवाड़ा हुई है। आप लोगों ने युवा साथियों ने जिस तरह से रात दिन एक करके राणीवाड़ा के लाडले विधायक को विधानसभा में पहुंचाया, मैं आपको आज साहब यहां बैठे हैं हमारे बीच में जो 10 साल राणीवाड़ा में जो काम नहीं हुआ और जो आपसे वादे किए वो आने वाले 5 साल में, जो 10 साल में नहीं हुए वो 5 साल में आपके सामने हो गए, ये हम आज धन्यवाद सभा में आपको कह रहे हैं। बाकी जितने भी लोग तरह तरह की बातें चुनाव से पहले आपको करते थे, लेकिन जब वोट हुए, वोट होने के बाद जिस तरह से बूथ नंबर 1 से परिणाम शुरू आने हुए, मैं उस समय रणसिंह जी वगैरह वहां बैठे थे, तो सबको हमारे शरणो पंचायत समिति से बहुत ज्यादा टेंशन थी कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने कहा शरणों से आप बेकर रहो, आपको कम से कम 5-7 हजार से लीड मिलेगी और वो शरणों वासियों ने दी, पूरी पंचायत समिति से वासियों ने दी। वो लीड 24 काउंटिंग तक राउंड तक वो लीड नहीं टूटी। मैं पूरी पंचायत समिति से जितने भी यहाँ युवा साथी बुजुर्ग हमारे बीपी से लेके तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 36 कौम के नेता उन सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने रतन जी पे विश्वास किया और हम सबका मान सम्मान रखा। इसके लिए आप उन्हें मैं आपका खूब खूब आभार और धन्यवाद देता हूँ। लेकिन हमारे छोटी सी कमी साचौर में रही, हम हमेशा बीची से लेके तमाम आज यहाँ बैठे हैं। मैंने चुनावों से पहले ये बात नहीं बोली, लेकिन आज धन्यवाद सभा में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से जितने भी नारायण सिंह के समर्थक लोग थे हमारे समाज के विशेष तौर ने, उन्होंने इस तरह का माहौल पैदा किया जिसका परिणाम साचौर में भुगतना पड़ा। बड़ा दुख होता है, एक मजबूत सीट, एक हमारे विश्वास समाज की जो आइकॉन, जिन्होंने समाज के लिए हमेशा सर्वप्रथम रखा सुखराम जी को हराने में, यदि किसी ने कोई चालबाजी या किसी ने कोई द्वेष भाषा की है तो वो बीजेपी के लोग हैं। मैं उन लोगों को पहले भी चेतावनी दी थी और आज इस मंच से खुले मन से आपको कहना चाहता हूँ कि आपकी वजह से साचौर में नुकसान हुआ वो आपको जनता माफ नहीं करेगी, विष्णु समाज आपको माफ नहीं करेगा। बड़ा दुख होता है, 36 कौम के लोगों ने साथ दिया, लेकिन आपने जिस तरह से राणीवाड़ा में समाज के नाम पर जिस तरह से मीटिंग रखी, जिस तरह से भाईचारा को खत्म करने की आप लोगों ने कोशिश की, इसका परिणाम बहुत बुरा हुआ और उस परिणाम की वजह से साचौर सीट नहीं जीत पाई।
लेकिन आगे मैं तमाम उन लोगों से निवेदन करता हूं कि जो भाईचारा आज से नहीं कई सदियों से हमारे बीच रहा है, 36 कौम के बीच में रहा है, और उन सबको साथ लेके चलने की जरूरत है। और चाहे कोई भी समाज का हो, चाहे कोई भी नेता हो, हम सबको उसको साथ लेके चलना चाहिए। मैं पुणे आपका और यह मंच पर बैठे तमाम नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेहनत की और मेहनत का परिणाम राड़ीवाड़ा में ऐतिहासिक जीत रही। पुणे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राड़ीवाड़ा।